Number 8, page number 112. देखो अभी वैभव विलास वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3. तो ओल्ड रेशियो क्या हो गया 2:3. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 वॉज एज फॉलोज. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये सब कहाँ जाएगा एसेट्स में. और कैश कहाँ जाएगा, कैश और बैंक में. ठीक है. कैपिटल है पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड और क्रेडिटर से कहाँ आएगा लाइबिलिटी में. फिर नेक्स्ट क्या, दे एग्रीड टू एडमिट विवेक एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2012. तो आपका नया जो बैलेंस शीट है वो 1 अप्रैल 2012 को बनेगा. ठीक है. विवेक विल हैव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट फॉर विच ही शैल ब्रिंग 25,000 एज हिज कैपिटल एंड 20,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. तो ये गुडविल का कौन सा केस है, पहला केस है. ठीक है. और यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का केस अगर ये हुआ तो न्यू रेशियो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. और उसके बाद ओल्ड रेशियो ही यहाँ पे क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है. ठीक है. तो उसके बाद क्या, लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड, सॉरी आर वैल्यूड एट 30,000. लैंड एंड बिल्डिंग पे स्टार्ट कर लो, स्टॉक पे भी स्टार्ट कर लो. प्लांट इज टेकन ओवर बाय विलास 10% डिस्काउंट, तो प्लांट पे स्टार्ट कर लो. डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%, फर्नीचर पे भी स्टार्ट. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स, तो ऑलरेडी मेंटेन करना 5%. द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट बी ट्रांसफर्ड टू दियर लोन अकाउंट. तो मैंने पहले दिन ही बताया था, और आठवां कर रहे हैं ना हम लोग, छठे क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि कैपिटल एडजस्टमेंट का केस होता है तो उसको तीन तरीके से हैंडल करते हैं. कैश से, तो छठे क्वेश्चन में कैश से हैंडल किया. सातवें में किससे हैंडल किया, करंट अकाउंट से. और अभी किस में करना है, लोन में कन्वर्ट करना है. तीनों सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. चलो पोस्टिंग पहले काम करते हैं, न्यू रेशियो कैलकुलेट कर देते. ओल्ड रेशियो क्या, 2:3 है क्या, 2:3. ठीक है. फिर नया किसको लिया, विवेक को. तो विवेक को कितना शेयर दे रहे हैं हम लोग, 1/4 ना, 1/4 दे रहे हैं. Therefore, balance for Vaibhav and Vilas. बैलेंस कितना आएगा, 1/5. चार में से एक अगर किसको दिया विवेक को, तो बचा कितना, 3/4, है ना. ये समझा ना, ये अपने को कैलकुलेटली हेल्प करता है. हाँ, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है. फिर उसके बाद क्या है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, बैलेंस रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो. बीएल मतलब बैलेंस रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो. बीएल मतलब बैलेंस रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो. किसका कैलकुलेट करोगे पहले, वैभव का. वैभव का ओल्ड में सिर्फ बैलेंस रेशियो क्या है, 3/4. ओल्ड रेशियो क्या था, 2/5. 3 + 2, 2 + 3 कितना आएगा, 5. 2 × 3 = 6, 5 × 4 = 20. समझे कि नहीं कुछ, 2 × 3 = 6 और 5 × 4 = 20. फिर कौन है, विलास बाबू. 3/4, विलास का शेयर क्या है, 3/5. 3 × 3 = 9 और 5 × 4 = 20. ठीक है, क्लियर है सबको ये. फिर ये तो देखो, 6 तो 2 के टेबल में आएगा, 20 भी 2 के टेबल में आएगा, बट यहाँ पे 9 2 के टेबल में नहीं आता है. तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है. तो विवेक का ही शेयर हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर उसका 20 करना पड़ेगा. यहाँ पे क्या लिखोगे, विवेक, और विवेक का शेयर क्या है, 1/4, है ना. विवेक का शेयर क्या, 1/4. तो उसको क्या करोगे, अभी नीचे कितना है, 20 है ना, तो इसको 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई. तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 × 1 = 5 और 5 × 4 = 20. तो देयरफॉर शेयर क्या होएगा, देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू व्हाट,
6:9:5 टोटल कितना होएगा 20, समझ में? तो ये आपका हो गया न्यू रेशियो, लिख लो फटाफट इसको। सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है क्या? नहीं, ओल्ड रेशियो क्या होएगा? सेक्रीफाइस, क्योंकि न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं था, पहली चीज। ठीक है, ये कई बार हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। क्वेश्चन कर रहे cash, two versions wrote down. ये हो गया। आगे क्या है? They agreed to admit Vivek as a partner on 1st April 2012. पहले एडजस्टमेंट में देखो क्या है, 25,000 एज अ कैपिटल लेके आया। यहाँ पे क्या लिखोगे? टू विवेक्स कैपिटल 25,000, और यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय कैश और बैंक अकाउंट 25,000। ये हो गया। फिर उसके बाद 20,000 क्या क्या लेके आ रहा है? गुडविल का, टू गुडविल अकाउंट 20,000, और टू का क्या हो जाएगा? बाय गुडविल अकाउंट। वैभव विलास को बांटेंगे हम लोग उनके सेक्रीफाइस रेशियो में, और सेक्रीफाइस रेशियो क्या है? 2:3। तो वैभव विलास 2/5, 3/5 कितना बांटना है? 20,000। 5, 4 जा 20, और ये 3 जीरो ऐड किया, 4 2 जा कितना होता है? 8। यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे 4,000 ही आएगा, 4 3 जा कितना आएगा? 12। तो यहाँ पे कितना आने वाला है? 8,000, और यहाँ पे 12,000। ठीक है, समझा कुछ? तो ये हो गया गुडविल का पहला केस था। ये दूसरे केस में क्या होता है? यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? कैश और बैंक, और जितना लेके जाएंगे, अगर हाफ अमाउंट लेके जाने बोला तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 4, और यहाँ पे इसका कितना लिखोगे? 6, है ना? एक इफेक्ट यहाँ पे आएगी, दूसरी इफेक्ट कहाँ पे आती है? कैश और बैंक के क्रेडिट साइड में आती है। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा चेक कर सकते हो। आगे क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 30। लैंड एंड बिल्डिंग की पहले वैल्यू कितनी है? 25, अभी कितनी हो गई? 30। क्या हो गया? बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 5 से। ऐड करना है एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, अच्छी बात। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। बाय
manual building account, appreciation 5000. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक इज वैल्यूड एट 55,000. स्टॉक की पहले वैल्यू कितनी थी? 5,000 से क्या हो गया ये बढ़ गया. एड एप्रिसिएशन ठीक है बाय क्या लिखोगे स्टॉक अकाउंट एप्रिसिएशन. नेक्स्ट प्लांट इज टेकन ओवर बाय विलास 10% डिस्काउंट. तो प्लांट तो गया ना, तो प्लांट यहां से पहले हटा दो. टेकन बाय विलास, तो ये पूरा प्लांट जो है ना यहां से माइनस हो जाएगा और यहां पे क्या आएगा नेट. ठीक है, लेकिन प्लांट 10% डिस्काउंट में गया, तो डिस्काउंट मतलब क्या हो गया एक्सपेंस यहां पे. तो क्या करोगे? टू प्लांट अकाउंट और यहां पे क्या लिखोगे डिस्काउंट. ठीक है, वो दूसरा विलास है ना यहां पे. टू प्लांट अकाउंट 20, वहां से क्या किया 6 माइनस किया था, तो 27 और 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा. ठीक है, समझ गया ना. विकास अगर 10% डिस्काउंट में लेके जा रहा है तो 30 का प्लान का वो 30 देगा या 10% कम देगा? 10% कम. तो इसके लिए उसके कॉलम में क्या किया 10% कम लिखा. ठीक है, और वो 10% क्या हो गया हमारे लिए डिस्काउंट यानी एक्सपेंस. एसेट्स की वैल्यू कम हो गई ना, जहाँ पे 30 का एसेट था हमको कितना मिलेगा अभी खाली 27 मिलेगा, तो 3000 का क्या हो गया अपने को लॉस हो गया. समझ में आया कुछ? फिर नेक्स्ट अभी क्या डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%. डेप्रिसिएशन 2000 का 10% कितना होगा 200, तो बाहर कितना आएगा 1800. अगेन एसेट्स की वैल्यू क्या होगी कम. टू फर्नीचर अकाउंट डेप्रिसिएशन 200. फिर आगे क्या है आरडीडी है 5%. 58,000 का 5% निकालो. आरडीडी 10% कितना आएगा 5800. 5800 होगा 10%, तो 5% कितना होगा 2900. 10 - 9 = 1, 7 - 2 = 5 और ये 5 55. एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई कम, कहाँ लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट ब्रैकेट में आर डी डी ठीक है 2900. ठीक है, ओके एडजस्टमेंट बचा क्या? यस, लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट का केस बचा है, उसके लिए हमको न्यू रेशियो की जरूरत है. न्यू रेशियो हमने निकाल लिया है ना, अब क्या करेंगे पहले इसको टैली कर लेते हैं. ये कितना है 10,000, यहाँ पे भी आएगा 10,000, माइनस करो जगह 9 2 11 9 11 9 कितना होता है 20, 2 के लिए क्या 2 3 5 और 2 7 और 3 3900. ये क्या करोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है वैभव विलास क्या रेशियो है इनका 2/5 और 3/5 कितना बांटना है 3900. ठीक है,
फाइव सेवन जो 35 है ना, 39 में से 35 गया कितना बचा 4 और ये 0 40, 5 8 जा 40 और ये 5 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 1 कैरी किया 2 7 जा 14 प्लस 1 15 16, इसको भी 5 को डिवाइड करोगे तो वही आएगा 780, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 2 कैरी किया 21 और 2 कितना होगा 23, एक बार ऐड करके चेक कर लो, 0 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 2 1 3 बराबर। ये कहाँ लिखा आपने डेबिट में, अगली पे कहाँ पे आएगी क्रेडिट में, भाई क्या लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट 1560 और क्या है 2 4 2 3 4 0 ठीक है। अब इसको टोटल भी नहीं करने का, पहले पहले क्या लिखने का टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। नया पार्टनर का टोटल ले सकते हो 25, यहाँ पे भी कितना है 25, ऊपर कुछ माइनस करने के लिए जिसका बैलेंसिंग भी कितना आएगा 25। अब कैपिटल तीनों का नया रेशियो क्या आया था 6:9:5 बराबर है। ये कौन था वैभव, फिर ये कौन है विलास, और फिर कौन सा केक विवेक। ओके अब देखो यहाँ पे पांच रेशियो के लिए विवेक, नए पार्टनर का कैपिटल क्या लेने का बेस लेने का, तो पांच रेशियो के लिए कितना ले गया 25,000, तो सिंगल रेशियो के लिए कितना हो जाएगा तो 25 को 5 से डिवाइड करो, तो 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5000 आएगा सिंगल रेशियो। तो अब ये देखो सिंगल रेशियो ना, तो 5 5 25, तो 5 9 कितना होएगा 45 है ना, और 5 6 कितना होएगा, समझ में आया कुछ। ये 5000 कैसे आया, इसको हमने बेस लिया ठीक है, 25,000 को बेस लिया, उसका रेशियो क्या है 5, तो इसको डिवाइड करोगे तो 5000। ये बेस लेके हमने क्या किया, यही मतलब सिंगल रेशियो को लेके 9 से मल्टीप्लाई किया और फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, समझा ना। ये तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में वैभव को कितना आएगा 30, विलास को 45, समझ में आया कुछ। और इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी 30 45 और 25 70, 1,00,000 रुपया देखो तो 1,00,000 हो जाएंगे ठीक है, ये लिख लो आप लोग। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। तो यहाँ पे विवेक तो निपट गया, विलास को देखो अभी 50 62 64 के आसपास है, और यहाँ पे कितना हो रहा है 72 के आसपास है, तो मतलब ये ज़्यादा है, 7 और 5 12 6 और 1 7 72,000। तो यहाँ पे भी कितना लिखोगे 72 माइनस कर लो 0, 4 और 6 10 एक कैरी किया, 4 और 6 10 एक कैरी किया, 1 और 2 3 और 2 3 और 2 कितना होता है 5 5 और 7 12 कितना कैरी करो 1 1 और 5 6 और 1 7 7,660। तो इसके लिए क्या लिखोगे भाई, कैश में अगर एडजस्ट करते तो क्या लिखते भाई कैश और बैंक, करंट अकाउंट में एडजस्ट करते तो क्या लिखते विलास करंट, आज किस में एडजस्ट करना है लोन में, तो क्या लिखोगे भाई विलास लोन, विलास ये पता ना मैं ये माइनस कैसे करता हूँ, इधर पूरा का ऊपर का टोटल देने का और ये टोटल में से क्या करने का माइनस करोगे तो ये फिगर आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 30 है और यहाँ पे क्या है ज़्यादा है 59,560 में से 30 गया तो कितना बचेगा 29
560. तो ये क्या हो जाएगा? 2, कौन है ये? वैभव लोन, समझे ना? तो मैंने क्या होता है यहाँ पे जो रहेगा जो बैलेंसिंग फिगर इधर आता है डेबिट में, आता हूँ कितना लिखते हम लोग, कल भी बताया था जो डेबिट में बैलेंस आया है ना, वो कहाँ लिखेंगे? लाइबिलिटी में लिखेंगे. देखो डायरेक्ट जाने का, ये लेफ्ट में है ना, तो इधर भी लेफ्ट में आने का. वैभव लोन कितना है? 29,560. और यहाँ पे क्रेडिट में ना, तो ये एसेट्स में आएगा. विलास लोन 7,660. ठीक है, अब कैश को भी टैली कर दो. 30,20,50. 50 बैलेंस कैरी डाउन किधर आया? क्रेडिट साइड. कहाँ लिखेंगे? कैश और बैंक. अच्छा देखो टैली होता है क्या. आठ नौ छ पंद्रह एक कह दीजिए, दो सात, सात और पाँच बारह, सात उन्नीस है ना, उन्नीस का कितना कह दीजिए, एक तीन चार नौ, नौ दस उन्नीस, 1,99,560 टैली. ठीक है, प्रैक्टिस करो अच्छे से.